मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू डीएसएस ऑनलाइन क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 6.1। दैट इज रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। इन ए इट इज गिवन दैट +5। वी हैव टू रिप्रेजेंट +5 ऑन नंबर लाइन। वी नो दैट ऑन नंबर लाइन on a number line, the numbers that are situated, on the right side of 0 are positive integers, and the numbers that are situated left side of 0 are negative integers. Therefore, we will represent +5 on 5 place, 5 unit towards right side of 0. Okay, therefore +5 represented on number 9. This is +1. 0 ke right side mein +5 hum 5th place pe represent karenge 0 se, to ye +1 ho jayega. Ye +2 ko represent karega, +3, +4 and +5. To +5 number 9 pe hum yahan pe represent karenge. Theek hai bachcho, is tarah se aap represent karke शो करेंगे अपने पेयर कॉपी में। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ ए पार्ट ऑफ क्वेश्चन 3। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा। आप इस तरह से नंबर लाइन बनाएंगे, 0 के राइट साइड में +1 +2 +3 रिप्रेजेंट करेंगे, देन 0 के लेफ्ट साइड में आप -2 -1 -2 -3 नेगेटिव इंटीजर्स यू हैव टू शो बैक साइड ऑफ 0, इट मींस लेफ्ट साइड ऑफ 0। बी पार्ट जो हमारा क्वेश्चन है उसमें -10 को हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो -10 को भी हम इसी तरह से करेंगे। सबसे पहले एक नंबर लाइन बनाओ, ठीक है। आफ्टर दैट 0, we take 0 at the midpoint of number line, and at left side we have to write negative integers -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, okay students, -8, -9 and -10. Here you see that -10 is situated at left side of 0 at 10th place. Okay, -10 हमारा 10th place पे situated है number line में। तो यहाँ पे हमारा -10 हम इस तरह से represent कर देंगे। सबसे पहले आप number line इस तरह से बनाएंगे, +1 +2 +3 करके +10 तक, या उससे ज्यादा भी आप बना सकते हैं, लेकिन -10 को हम यहीं पे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप -10 को रिप्रेजेंट कर देंगे नंबर लाइन। ओके, लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट। द थर्ड क्वेश्चन इज, सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, वी हैव टू रिप्रेजेंट +8 ऑन नंबर लाइन। हमें +8 को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है। सी में +8 को नंबर लाइन करना है। सिमिलरली इसी नंबर लाइन पे ऐसे ही हम नंबर लाइन बनाएंगे। उसके बाद जैसे यहाँ पे +5 को रिप्रेजेंट हमने किया है, वैसे ही +8 तक नंबर लाइन को ले लेंगे राइट साइड ऑफ 0। ऑन द 8th प्लेस वी रिप्रेजेंट +8 ऑन नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट, दिस इज +8 रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। इस तरह से आप नंबर लाइन पे +8 को भी रिप्रेजेंट करेंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। डी एंड ई पार्ट यू हैव टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। स्टूडेंट्स, आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, adjacent figure is a vertical number line.
सकते हैं आपके बुक में जो फिगर बना है वर्टिकल नंबर लाइन वो इस तरह का है। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारा बुक में आपने नंबर लाइन बना है, यहाँ पे जीरो रिप्रेजेंट किया गया है नंबर लाइन पे। ओके देन हियर ए इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, आफ्टर दैट बी इज रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, दिस इज वर्टिकल नंबर लाइन। ओके लाइक आई हैव शोन यू बिफोर, और जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में हम जितने भी प्लेस जाएंगे हमारा पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलेगा। ठीक है, जैसा कि हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन होता है जीरो से राइट साइड में हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन में हमें पॉजिटिव इंटीजर्स मिलते हैं, सिमिलरली वर्टिकल नंबर लाइन में जीरो से अपवर्ड डायरेक्शन में हम जाते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर हमें मिलते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमें नेगेटिव इंटीजर्स मिलते हैं। जैसे जीरो से हम टू प्लेस यहाँ पे नीचे आए, यहाँ एक्स रिप्रेजेंट किया है फिगर में, उसके बाद यह जी इज रिप्रेजेंटेड, एफ एंड ई। ओके तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है, ए इफ पॉइंट डी इज ए प्लस ए देन विच पॉइंट इज माइनस ए, यू नो वेरी वेल ऑन द अपवर्ड डायरेक्शन वी टेक पॉजिटिव इंटीजर्स ऑन वर्टिकल नंबर लाइन। ओके यहां पे 08 पोजीशन पे है अपवर्ड डायरेक्शन, प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0 से डाउनवर्ड डायरेक्शन में 8 पोजीशन पे हमारा माइनस 8 रिप्रेजेंट होगा। तो हम यहां पे क्या देखेंगे, 1 this will present minus 1, this this point will present minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 and minus 8. So, minus 8 हमारा किस point पे represent हो रहा है, F। Okay, therefore point F represent minus 8 on this number line. Answer of A part is point F represent minus 8. Okay, this is our answer of A part. Next is the B part, B question. Is point G a negative integer or a positive integer? We see that point G represent a negative integer. Point G हमको minus 7 को represent कर रहा है नंबर लाइन। Okay students, therefore we can say that point G represent a negative integer. Point G represent a negative integer. Okay. पॉइंट जी हमारा नेगेटिव इंटीजर शो कर रहा है बिकॉज ये जीरो से डाउनवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है बच्चों, लेट्स सी द सी पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, राइट द इंटीजर फॉर पॉइंट बी एंड ई, पॉइंट बी और ई के लिए हमें इंटीजर चाहिए, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जीरो जाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 एंड प्लस 4, तो पॉइंट बी हमारा प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉइंट बी हमारा प्लस 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है और जी के लिए भी लिखना है, ई के लिए लिखना है। ठीक है, तो ये एफ है, एफ के बाद ये माइनस 9 हो जाएगा, ई रिप्रेजेंट माइनस 10 और ई हमारा माइनस 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि वो 10th पोजीशन पे है, 10th पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो के डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हम क्या लिखेंगे यहां पे, पॉइंट बी रिप्रेजेंट, पॉइंट बी रिप्रेजेंट प्लस 4
point E. Represent minus 1. Okay, let's see the next question. Which point marked on this number line has the least value? इस नंबर लाइन पे किस पॉइंट की लीस्ट वैल्यू है? जो निगेटिव इंटीजर सबसे छोटा है उसी पॉइंट की हमारी लीस्ट वैल्यू होगी। हम यहां देख रहे हैं इस पूरे वर्टिकल नंबर लाइन पे ई पॉइंट जो है हमारा वो -10 को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड -10 इज द लीस्ट वैल्यू ऑन दिस नंबर लाइन। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे डी का आंसर? E point marked on this number line has the least value. E point marked on this number line has the least value. Has the least value. Okay. Our next question is, arrange all the points in decreasing order of value. हमें जितने भी points इसमें दिए हैं बच्चों, जो भी alphabets दिए हैं point में, उन्हें arrange all the points in decreasing order of value. उन सभी points को हमको decreasing order में लिखना है बच्चों। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? Decreasing order में लिखने के लिए हमें सबसे ग्रेटर वैल्यू को सबसे पहले लिखना पड़ेगा, ग्रेटर पॉइंट जो होगा उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा। लेट्स सी व्हिच पॉइंट्स आर अरेंज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम देख रहे हैं यहां पे पॉइंट पी की वैल्यू सबसे छोटी है, ठीक है। हम यहां पे क्या लिखेंगे? डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा? सबसे ग्रेटर वैल्यू। तो +8 हमारा सबसे बड़ा है, ठीक है। यहां भी देंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉइंट्स ऑफ वैल्यूज। क्या हो जाएगा? प्लस एट से छोटा हमारा क्या है? ये हो जाएगा हमारा +7, +6, +5, ठीक है। तो +5 सी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, फिर +5 लिख सकते हैं हम, ओके। आफ्टर दैट +4, +2, देन -2 रिप्रेजेंट एच पॉइंट। हम क्या लिखेंगे? -2। उसके बाद जी रिप्रेजेंट -6 से वन सेकेंड बच्चों, यहां पे हमने ग्रेटर देन का साइन लगा दिया है। ये सब स्मॉल वैल्यूज है, ओके। हमें तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो हम लिखे डिक्रीजिंग ऑर्डर में स्मॉल देन का साइन लगा दी, ठीक है। ये सभी डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनाएंगे। इसके बाद -6 के बाद हमारा एफ पॉइंट आ रहा है। एफ किस पॉइंट को किस वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है? -8 आफ्टर दैट -1। तो इन सभी को हम पॉइंट वाइज कैसे लिखेंगे? पॉइंट वाइज लिखने के लिए ए रिप्रेजेंट डी, तो डी इज ग्रेटर देन +5 रिप्रेजेंट सी पॉइंट, सी इज ग्रेटर देन ए, सी के बाद बी है, बी इज ग्रेटर देन ए, ए इज ग्रेटर देन एच, एच इज ग्रेटर देन जी, एंड जी इज ग्रेटर देन एफ, एंड एफ इज ग्रेटर देन ई। दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑल द पॉइंट्स रिप्रेजेंटेड ऑन दिस वर्टिकल नंबर लाइन। Our next question we will solve in my next video. Thank you. Sir, please.